सालारी मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज जुमे को रियासत नगर के जमाल कॉलोनी में सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ओवैसी जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में तुलबा व तालिबात को अपने वालदैन का एहतराम करने की तलखीन की। उन्होंने बच्चों को कहा कि माँ की इताअत और बाप की फरमाबरदारी में ही कामयाबी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दुनिया की इमामत सिर्फ इल्म से हासिल की जा सकती है और पुराने शहर में वो सलाहियत और काबिलियत मौजूद है। आपकी भूख को मिटाने के लिए चूल्हे के पास खड़ी रहती है और पका के खिलाती है, उस माँ की इज्जत कर लो तो दुनिया मिल जाएगी। वो बाप जो आपके खुशियों के लिए बाजारों में घूमता है, ऑटो चलाता है, पैदल साइकिल के पैडिलो मारता है, जहां काम करता है उस सेहत की फटकार को सुनता है, बातों को सुनता है, तो किसके लिए? आपकी खुशहाल जिंदगी के लिए, घर में चूल्हा जलने के लिए। उस बाप का एहतराम कर लो, वो बाप की दुआएं तुमको जिंदगी में आगे बढ़ा दो। समझो मेरी इस बात को, समझो मेरी इस बात को। खुदारा ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एमबीबीएस की तालीम छोड़कर आया बाप की मोहब्बत में, अपनी तालीम को तर्क कर दिया बाप की मोहब्बत में, सियासत में नहीं आना चाहता था बाप की मोहब्बत में आया, इंतखाब नहीं लड़ना चाहता था, कभी नहीं लड़ना चाहता था, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन बाप की मोहब्बत मां का हुक्म हुआ इनकार नहीं कर सकता। मां ने कहा अकबर अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा मां आप क्या कह रहे हैं, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे और इस इंतखाब के मैदान में आ गया। आज भी मेरी मां रोती है, आंखों से आंसुआ टपकते हैं और कहती है कि मेरी वजह से आज तुमको गोलियां लगी, काश के मैं तुमको मजबूर न करती इंतखाब लड़ने के लिए, तुम्हारे सेहत का यह हाल ना। मगर मुझे इस दुनिया की फिक्र नहीं है, मुझे अपनी मां की खुशी, मां की इताअत, बाप की फरमाबरदारी है, अल्लाह की रजा। खुदारा नतीजा कुछ भी आओ मायूस नहीं हूं। जब सिर्फ इंटरमीडिएट पास इतने इमारत बना सकता है तो आप लोग तो बहुत काबिल है, बहुत कुछ कर सकते। डॉक्टर नहीं बने तो मायूस नहीं हूं। बाईपीसी में बहुत सारी फील्ड, फार्मेसी है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, जेनेटिक्स है, कई फील्ड्स हैं। रिसर्च स्कॉलर बन सकते, डायबिटीज पर रिसर्च कर सकते, कैंसर पर रिसर्च कर सकते, स्टेम सेल पर रिसर्च कर सकते, नैनो टेक्नोलॉजी पे आप जा सकते, स्किन ग्राफ्टिंग, या स्किन ग्राफ्टिंग होती है ना, मेरे पास यह स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी, या पूरा सुराख था हाथ में तो दूसरा स्किन निकाल के या हाथ में भरे थे, तो स्किन ग्राफ्टिंग। साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट क्या नहीं कर सकते हम? अरे आईएएस आईपीएस में पहले साइंस के बैकग्राउंड रखने वालों के लिए ज्यादा क्वेश्चनेयर्स नहीं थे, लेकिन अब सिविल सर्विसेज में भी साइंस बैकग्राउंड रखने वालों के क्वेश्चन और अपॉर्चुनिटी उतना ही है जितना मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स का है। अगर नीट अगर आप क्रैक नहीं कर सके तो छोड़ो, आप सिविल सर्विसेज को क्रैक करेंगे बोल के तैयारी शुरू कर दो। इंशाल्लाह आप सिविल सर्विसेज को क्रैक करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, ये मेरा ईमान है। ये दिन आएगा, दुनिया समझती है कि पुराने शहर में जहालत है, नहीं, पुराने शहर में सलाहियत है, काबिलियत है, जोश है, जुनून है, जज्बा है। सिर्फ मौका नहीं था, अब वो मौका अकबर ओवैसी दे रहा है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए। अब वो दिन दूर नहीं जिनको लोग समझते थे कि ये आखिर में ठहरने वाले हैं, अब वो दिन करीब है।
हम आखिर में नहीं रहेंगे, अब दुनिया की इमामत हमारे हाथ आएगी और दुनिया हमारे पीछे आ जाएगी इंशाअल्लाह। और ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ और सिर्फ इल्म, 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 अल्लाह की रजा, मां बाप की रजा, उस्ताद का एहतराम से ही मुमकिन है कि दुनिया की इमामत हमारे हाथ में। माह रबीउल अव्वल के मौके पर उमराह करने का सुनहरा मौका। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई, मक्का मुकरमा में 300 मीटर और मदीने शरीफ में 100 मीटर की दूरी पर स्टार होटल में ख्याम, 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत, मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत और तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में ख़याम का सुनहरा मौका। बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, काकाजी टावर्स, तैबा मार्केट, नियर ओल्ड चार मीनार बस डिपो, हैदराबाद।